हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सखी गार्डन। तो ये देखिए, मैं आई हूँ अपने गार्डन में। तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। तो देखिए ये कौन सा प्लांट है, तो मैं आपको बताती हूँ, या आप कमेंट में बताना मुझे कि कौन सा प्लांट है। वैसे इसको कई प्रदेशों में कई भाषाओं में बुलाया जाता है। कोई इसको गुलाबांस कहता है, तो कोई नैनतारा कहता है, कोई कहता है पाँच बजे खिल जाता है। वैसे मेरे पास में ये देखिए येलो वाला भी है, और येलो में शेडिंग से खिल रहा है। देखिए इसमें कितने कलर हैं, ये देखिए, ये इधर में बहुत कलर हैं, ये देखो है ना, यानी एक ही प्लांट में अलग अलग कलर। ये देखिए फ्लावर कितना खूबसूरत है ना, सेट वाला है ना। और इसी में देखिए ये वाला भी हो रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। ये 5 बजे सारे फ्लावर्स के खिल जाते हैं, और यहाँ बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा है ना। तो मेरे पास येलो वाला भी है और पिंक वाला भी है। वो देखो पिंक वाला खिल रहा है ना, ये दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये देखो पिंक वाले में भी कितनी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है, तो सखी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं प्लांट में बेनिफिट बताती हूँ, तो हो सकता है किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है। तो अब मैं इसको आपके इस प्लांट के बेनिफिट बताने जा रही हूँ। तो इस प्लांट में इतनी ताकत है कि कहावत है ना कि घोड़े जैसी ताकत वाला, तो इस प्लांट में बहुत ताकत होती है ना। अच्छा, इसके फ्ला जो हैं, आप फ्ला को ले लें, और हल्दी है, फ्ला है, ये एलोवेरा है, तो इसको आप ले करके और आप एक फेस पैक बना लें। उस फेस पैक के अगर आप अपने फेस पे फेशियल करेंगे, तो आपके फेस पे बहुत निखार आएगा, बहुत ज़्यादा, और आपकी स्किन एकदम से ग्लो करेगी। और ये पेट के लिए बहुत फ़ायदा होता है इसमें। तो ये देखिए इसमें पत्ते ही बहुत हैं। तो कब्ज में अगर कोई इसे पेट में परेशानी हो जाती है ना, पेट में जलन हो, तो इसके पत्ते का रस पिएं और पेट की समस्या को दूर करें। अगर आपकी बॉडी में कहीं खुजली हो जाए, तो इसके पत्तों का रस निकालें, और जहाँ पर खुजली है वहाँ पर इसके पत्तों का आप वो रस होता है ना, उस रस को लगाएं, तो आपकी खुजली भी दूर हो जाएगी। और अगर आपके जैसे कहीं घाव हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो इसके जो ना रस होता है ना, इसका रस अगर आप लगाते रहेंगे, तो आपका घाव जल्दी भर जाएगा और उसमें पस भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके फोड़ा फुंसी या जैसे मुहासे वगैरह कुछ हो जाए, तो जैसे फोड़ा फुंसी हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं और उसमें गांठ होती है, तो वो गांठ नहीं निकलती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि इसमें चीरा लगेगा तब गांठ निकलेगी, तो उस दौरान आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गांठ होने पर चीरा ना लगवाएं। आप इसके पत्तों को लें और इसके पत्तों को अच्छे से कुचल लें, कुचल के यानी पीस लें, और इसको हल्का गुनगुना करके उस गांठ पर रखें सुबह शाम। ऐसा आप 2-4 बार करेंगे, वो गांठ अंदर से पक के अपने आप में फूट जाएगी और सारा पस निकल जाएगा। तो है ना कितना अच्छा। या चोट हो, सूजन हो, मोच हो, तो उसमें इसका रस लगाएं। और सबसे इसकी खास बात यह है कि जब ये पेड़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो इसमें एक ये शकरकंद होती है ना, ऐसी इसकी जड़ कंद का रूप ले लेती है, तो उस कंद की आप सब्जी बनाएं, बहुत टेस्टी होती है। तो मेरा तो जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है, तो मैं इसको हर बार में छांट देती हूँ और नीचे से कंद निकाल लेती हूँ, उसकी मैं सब्जी बनाती हूँ, तो उस सब्जी में बहुत ताकत होती है, समझ रहे हैं ना आप। तो उसको अपने घर में जो हमारे हस्बैंड वगैरह हैं, या हमारे और भी घर में जितने भी मेंस हैं, तो मैं उनको ज़्यादा खिलाती हूँ, तो वो मर्दाना ताकत इससे ज़्यादा आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो है ना बहुत अच्छी चीज़। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ। आपको अगर सखी गार्डन की ये गार्डनिंग पसंद आई हो और ये बेनिफिट पसंद आए हों, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप सब्सक्राइब करें, वो सब फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और अगर अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्लांट पे बेनिफिट बताती हूँ।
तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, फिर मिलूँगी आपके पास एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।